हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट को अपना सॉल्व कर रहे हैं। आपको पता है कि मार्केट में जो भी बुक्स हैं, जितनी भी बुक्स हैं, उन सभी के जितने भी प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, हम उन सभी प्रैक्टिस सेट को एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। और अगर आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो आपके डेफिनेटली बहुत अच्छे नंबर आने हैं। तो चलिए यहाँ पे हम टाइप वेस्ट न करते हैं, अपने क्वेश्चन को डिस्कस करने शुरू करते हैं। तो जानते रहिए, हमारा हिस्ट्री का सेकेंड पार्ट है, तो चलिए यहाँ डिस्कस करना हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आया है, देखिए यहाँ पे आया है 176 नंबर पे, देखिए 176 नंबर पे, भारत ने इस इंडिया कंपनी के शासक का अंत कब हुआ था। तो देखिए यहाँ मिस्टेक है प्रिंटिंग, यहाँ भारत ने नहीं बल्कि भारत में होना चाहिए था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ था। तो जानते रहिएगा, यह अंत हुआ था 1858 में। तो देखें 1858 कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 177 नंबर देखिएगा, 177 नंबर, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से उद्घृत की गई है। तो जानते रहिए, ये लिया गया है उपनिषद से, तो उपनिषद कहाँ है, यहाँ ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 178 नंबर देखिएगा, 178 नंबर क्वेश्चन पे, महमूद गजनवी का भारत पर पहला आक्रमण कब और कहाँ हुआ। तो जानते रहिए, महमूद गजनवी ने पहला भारत पर आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में काबुल में। तो देखें कहाँ आया है 1000 ईस्वी काबुल, ये देखिए आया है ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 179 नंबर देखिएगा, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो जानते रहिएगा, महात्मा गांधी ने अधिवेशन की, ये बेलगांव 1924 में जो हुआ था, बेलगांव में 1924 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी उन्होंने अध्यक्षता की थी। देखेंगे कहां ऑप्शन आया है, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, बेलगांव 1924, तो इसको हम क्लिक कर देंगे बी नंबर ऑप्शन को। 180 देखिएगा, 180 नंबर पे, इनमें से कौन भारतीय इतिहास का साहित्यिक स्रोत नहीं है। देखिए ऑप्शन ए में आया है वेद, बी में है पुराण, सी में है उपनिषद और डी में है पंचतंत्र। तो जानते रहेगा पंचतंत्र जो है ये भारतीय इतिहास का साहित्यिक स्रोत नहीं है, तो पंचतंत्र कहाँ है ऑप्शन नंबर डी, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। देखिए हम यहाँ पे 180 नंबर तक यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। देखिए इसके बाद 181, 182 इस तरह भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पेपर को जूम किया गया है इसलिए पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, तो अभी जितना भी क्वेश्चन दिख रहा है पहले उसको हम डिस्कस कर ले रहे हैं। 188 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, नंदवंश का शासन कहाँ था। तो जानते रहिएगा, नंदवंश का शासन था मगध में, तो मगध कहाँ आया ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 189 देखिए आया है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचारित नहीं हुआ था। ऑप्शन ए में है जापान, बी में है सुमात्रा, सी में है ब्रिटेन और डी में है श्रीलंका। तो जानते रहिएगा, अशोक द्वारा जो बौद्ध धर्म का जो प्रचार किया गया था वो जापान में भी था, सुमात्रा में था, श्रीलंका में भी था, और जो ऑप्शन बी सी आया है यहाँ पे ब्रिटेन, ब्रिटेन में नहीं हुआ था, तो ब्रिटेन को हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे ऑप्शन नंबर सी। 190 देखिएगा, 190 नंबर देखिए क्वेश्चन है, कनिष्क के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी। तो जानते रहे, कनिष्क के समय हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति, चतुर्थ कहाँ है ऑप्शन नंबर डी, तो डी को हम क्लिक कर 191 देखिए आया है, 191 नंबर पे, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। तो जानते रहे, नालंदा विश्वविद्यालय स्थित था पटना के पास, तो पटना देखिए कहाँ है ऑप्शन नंबर आया है देखिए बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। अब देखिए जो हमारे नीचे के जो क्वेश्चन छूटे हुए थे वो आ चुके हैं, देखिए आया है 181 नंबर पे, देखिए हड़प्पा के लोग किसकी पूजा करते थे। ऑप्शन ए में देखिए आया है प्रजनन शक्ति की, बी में है इंद्र की, सी में है हाथी की और डी में है नीम के वृक्ष की। तो जानते रहिएगा, हड़प्पा के लोग प्रजनन शक्ति की पूजा करते थे, प्रजनन शक्ति कहाँ है ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 182 नंबर पे देखिए क्वेश्चन है, आर लोग भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे। तो जानते रहिएगा, आर लोग सबसे पहले भारत में पंजाब में बसे, तो पंजाब कहाँ है ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 183 नंबर देखिए क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो जानते रहिएगा, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। तो देखेंगे कहाँ आया है ऑप्शन, देखिए 563 ईसा पूर्व है ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम। क्वेश्चन नंबर 184 देखिए, गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था। तो जानते रहिए, गौतम बुद्ध की माँ का नाम था महामाया, देखिए महामाया कहाँ आया ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम फिर से क्लिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 185 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज सिंहासन पर बैठने की तिथि क्या है। तो जानते रहिएगा, उनके बैठने की जो तिथि है वो है 322 ईसा पूर्व। देखेंगे 322 कहाँ आया है, देखिए आया है ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक करें। 186 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, सिकंदर ने भारत पर किस सन में आक्रमण किया था। तो जानते रहिए, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में, तो 326 कहाँ आया है, देखिए आया है ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक करें। 187 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, चरक संहिता किसके समय की रचना है। तो जानते रहिएगा, चरक संहिता जो है वो कनिष्क के समय की रचना है, तो कनिष्क कहाँ है ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर दें। 192 नंबर पे देखिए क्वेश्चन आया है, रजिया सुल्तान ने कब से कब तक दिल्ली की गद्दी संभाली थी। तो जानते रहिएगा, रजिया सुल्तान ने 1236 से लेकर 40 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी संभाली थी। देखें कहाँ है 1236 से 40, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक। 193 नंबर पे देखिए क्वेश्चन आया है, खुतबा क्या था। अब खुतबा क्या है, देखिए ऑप्शन में क्या क्या आया है, आया है देखिए नंबर पर है, शुक्रवार की प्रार्थना में शासक सुल्तान के नाम से धार्मिक उपदेशों का वाचन था, या फिर बी नंबर पर है, सुल्तान का युद्ध संबंधी विशेष
विशेष आदेश था। यह 80 नंबर पे देखिए, सुल्तान का युद्ध में पराजित शासक को दिया गया दंड था, यह डी में है, इनमें से कोई नहीं तो जानते रहेगा। खुतबा जो था वो था शुक्रवार की प्रार्थना में शासक सुल्तान के नाम से धार्मिक उपदेशों का वाचन, और ये देखिए कहाँ है, यह है ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक करें। 194 नंबर देखिए क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद किस साम्राज्य का पतन होने लगा था। तो जानते रहिए, कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद विजयनगर का जो शासन था, जो साम्राज्य था, उसका पतन होने लगा था। तो विजयनगर देखें कहाँ है, देखिए यह है ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 195 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांघा के बीच कहाँ युद्ध हुआ था। तो जानते रहिएगा, 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांघा के बीच युद्ध हुआ था खानवा में। तो खानवा कहाँ आया है, देखिए ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 196 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी का मुकाबला कहां पर हुआ था। तो जानते रहिए, 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम का जो मुकाबला हुआ था वो हुआ था पानीपत में। तो पानीपत कहां आया, ऑप्शन नंबर देखिए सी, सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आया है 197 नंबर पे, बाबर ने अपने आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी है। तो जानते रहेगा, बाबर ने जो अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी थी वो लिखी थी तुर्की भाषा में। तुर्की कहाँ आया है, देखिए आया है ऑप्शन नंबर सी, तो इसी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 198 नंबर पे देखिए क्वेश्चन आया है, चीने इलाही क्या थी। तो जानते रहेगा, यहाँ मे भी शायद यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ चीने इलाही नहीं बल्कि दीने इलाही होना चाहिए, तो दीने इलाही क्या थी ये होना चाहिए था। देखिए ए नंबर पे है अकबर द्वारा स्थापित मस्जिद, बी नंबर पे है एक धार्मिक ग्रंथ, सी नंबर पे है एक धार्मिक प्रार्थना, और डी नंबर पे अकबर द्वारा बनाया गया एक धर्म। तो जानते रहिएगा, दीने इलाही जो था वो अकबर द्वारा बनाया गया एक धर्म था, एक मान्यता थी। तो देखेंगे कहाँ आया है, ऑप्शन नंबर डी में, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 199 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, मराठा राज्य की स्थापना किसने की थी। तो जानते रहेगा, मराठा राज्य की स्थापना की थी शिवाजी ने। तो शिवाजी देखिए कहाँ आया है, देखिए ऑप्शन नंबर ए, ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए 200 आया है, शेर ए पंजाब, शेर ए पंजाब के नाम से कौन व्यक्ति विख्यात था। तो जानते रहिए, शेर ए पंजाब के नाम से विख्यात है लाला लाजपत राय। तो देखेंगे यहाँ ऑप्शन कहाँ आया है, लाला लाजपत राय, देखिए यह है ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। तुम्हें भी आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे आपके एग्जाम के लिए देखिए क्वेश्चन कैसे सेट किए जा रहे हैं। तो जानते रहिए, इसी तरह के क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, आपको इसी तरह सारी चीजों को बहुत ही डीपली, बहुत ध्यान से उसको देखना पड़ेगा अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो। और अगर जो भी आपको वीडियो दी जा रही है यहाँ पे, चूंकि यहाँ जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे सारी की सारी बुक्स के यहाँ पे आपको कराए जाएंगे, अगर सारा का सारा अगर आपने ध्यान से देख लिया तो डेफिनेटली आपको अच्छे नंबर मिलने ही मिलने हैं। तो चलिए फिर यहाँ पे हमारा ये सेक्शन भी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।